हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक अलग तरह की मिठाई बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम पेड़ा बनाएंगे और ये बहुत ही कम दामों में और बहुत ही कम समय में बनने वाली मिठाई है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम टाइम में ये बन के तैयार होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस पार्ले जी बिस्किट से ही आज की ये मिठाई बनाने वाले हैं। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चीनी ली है और ये मैंने 2 कप यहाँ पे दूध लिया है। ये मेरा उबला हुआ दूध है, आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, उबाल सकते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं देखिए, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है फ्रेंड्स हम पेड़ा को सजाने के लिए। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। तो चलिए हम अपनी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बिस्किट खोल लेंगे, पैकेट इसका फाड़ के इसमें निकाल के, और इसको हम अच्छे से पीस के इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने मिक्सिंग बाउल में ये पूरा पैकेट अपना डाल दिया है पार्ले जी बिस्किट का। और ये 10 रुपये वाला पार्ले जी बिस्किट है फ्रेंड्स। इस 10 रुपये के पार्ले जी बिस्किट से देखिए हम कितने पेड़े बना के तैयार करते हैं। और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चों को नहीं एक्चुअली ये सबको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसको देखिए, हम सब बिस्किट थोड़ा ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो इजीली आराम से पिस जाता है। और मिक्सी में देखिए मैंने ये फाइन पाउडर बना के इसका मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, पैन में मैं अपना ये दूध डाल दूंगी। मेरा ये उबला हुआ दूध है, अगर आप कच्चा दूध लें तो उसको पहले उबाल लें। तो देखिए, साथ ही में मैं ये चीनी भी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध रहता है और तुरंत आप चीनी डाल देंगे उसमें तो वो फट जाएगा। तो इसलिए उसको उबाल के फिर गैस स्लो करके तभी चीनी डालें। अब देखिए, इसमें मेरे दूध में उबाल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 कप दूध लिया है। अगर हम इसको थोड़ा थिक करेंगे और अगर आपको इसको पका के थिक नहीं करना है तो आप 1 कप दूध में भी ये पेड़े बना सकते हैं। देखिए, मेरा दूध बॉयल हो रहा है और इसको मैं थोड़ा अच्छे से और पकाऊंगी ताकि और गाढ़ा हो जाए। ऐसा करने से इसका टेस्ट और अच्छा आता है, थोड़ा उसमें और टेस्ट एरोमा एक अलग सा मतलब खुशबू आती है, अच्छा लगता है। वो पेड़ा पेड़े जैसा लगता है, ऐसा नहीं तो बिस्किट जैसा नहीं लगता है फिर वो। तो देखिए, मेरा दूध पक गया है। अब मैंने इसका गैस का फ्लेम लो कर दिया और ये पाउडर का जो मैंने ये बनाया है पार्ले जी बिस्किट का जो पाउडर, इसमें मैंने मिला दिया। तो देखिए, मेरा स्पैचुला वो अच्छे से नहीं वर्क कर रहा था तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया इसको, उसे मिलाते नहीं बन रहा था। तो अब इसमें मैं थोड़ा ही जो ये हमने देसी घी लिया है इसको डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे हाथ ग्रीसिंग करने के लिए। अब इस स्पैचुला से मैं इसको दबा दबा के और अच्छे से इसका एक डो बनाऊंगी, चिकना डो बनेगा। देखिए, ये डो हमारा लगभग तैयार है क्योंकि ये पैन छोड़ रहा है। इसकी यही एक निशानी है कि जब ये रेडी हो जाता है तो पैन छोड़ने लगता है। मैंने देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया है क्योंकि ये हमारी जो कढ़ाई है अभी भी गर्म है, तो इसी में हम लोग इसको थोड़ा ऐसे मिलाएंगे। और इसको फ्रेंड्स हमको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, कम 60% ठंडा हो जाए और 40% थोड़ा गर्म ही रहे तभी हमको इसको हैंडल करना है। तो देखिए, मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं हाथ पे थोड़ा सा घी लूँगी और इससे हाथ अपना ग्रीस करके, और फ्रेंड्स मैं इसको ऐसे दबा दबा के और चिकना हम लोग इसको कर लेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं रह गया है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हाथ में ऐसा गर्म है ये अभी दिखने में लग रहा है। और अब मैं हाथ थोड़ा सा ग्रीस करके इसमें एक टुकड़ा निकालूंगी बैटर का। तो फ्रेंड्स, पेड़ा आप अपनी मर्जी का छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। तो हम लोग देखिए, और सिलेंडर जैसे सिलेंडर का शेप रहता है वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन पेड़ा है तो गोल ही अच्छा लगेगा। अब इसको हम थोड़ा ऐसे दबा देंगे और बीच में ऐसे लेडी फिंगर से हम इसको गड्ढा कर देंगे, हमारा हमारी जो ये उंगली रहती है। और इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट जो हमने काट के रखे हैं, जो भी आपको घर में अवेलेबल हो, पिस्ता, काजू, बादाम, नहीं है तो किशमिश ही डाल दीजिए क्योंकि अभी हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं तो घर में इतना सामान अवेलेबल नहीं रहता है। तो देखिए, मैं ऐसे एक और बना के दिखाती हूँ आपको ऐसे करके, और इसमें धीरे से ऐसे गड्ढा बना दीजिए और इसके ऊपर से सजा दीजिए इसको ड्राई फ्रूट्स लगा के। तो फ्रेंड्स, ये दिख बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम दाम में बनने वाली ये बहुत अच्छी मिठाई है जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, बहुत इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने एक पैकेट बिस्किट में और मैंने ये 12 पेड़े बना के मैंने तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स।
तो आप ही अपने घर में बनाइए, त्योहार पे बनाइए, ऐसे भी मीठा खाने का मन है तो बनाइए और बच्चों को खिलाइए। और ये बहुत अच्छी मिठाई है जो बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला नया लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको ज़रूर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ, नए टेस्ट के साथ, नई रेसिपी के साथ